इंसान की कीमत। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिता एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे इस एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती हैं और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज़्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक के स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहे। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, लगभग 300 रुपये। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूँ तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूँ? तो बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक उसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था।